भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर बिहार सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। अश्लील और जाति सूचक भोजपुरी गानों पर रोक लगाने की मांग जो है वो लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इससे पहले इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब इसे लेकर प्रदेश की सरकार सख्त रवैया अपना रही है। सरकार की तरफ से इन डबल मीनिंग वाले गानों पर अब सख्त कार्रवाई हो सकती है। बिहार सरकार ने इन गानों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य के सभी जिलाधिकारी और वरीय आरक्षी अधीक्षक को सख्त निर्देश दिए। भोजपुरी गानों में अश्लीलता और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ये मुद्दा कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने उठाया था। वहीं मंत्री बृजेश प्रसाद यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी गानों में अश्लीलता, समाज में भेदभाव और तनाव पैदा करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में भाषा का उपयोग करने का अधिकार किसी को नहीं है। भोजपुरी गानों में अश्लील और डबल मीनिंग भाषा का काफी हद तक प्रयोग किया जाता है और इन गानों से न सिर्फ आम जनता बल्कि राजनीति की दुनिया के बड़े बड़े नेता भी परेशान है। हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जब गायक प्रमोद प्रेमी के गाने पर हंगामा खड़ा हो गया था। बता दें, गाने में बसपा नेता मायावती और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सहित कई और राजनेताओं के लिए अभद्र और अपमानजनक भाषा का उपयोग किया गया था। कलाकार प्रमोद प्रेमी और गीतकार मनीष गोरी पर अपने गानों में अभद्र शब्दों का उपयोग करने का भी आरोप लगाया गया था। लोजपा के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रविन्द्र कुमार ने उन पर यह आरोप लगाया था और साथ ही कार्रवाई की भी मांग की थी। वहीं गायक पर FIR भी दर्ज की गई थी।